हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा तिलक नहीं लगाया। अरे वाह, शहीदों के गांव की मिट्टी। अरे वाह, मोदी जी का है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रहे हैं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, बालक कोई और नहीं, वीर शहीद भगत सिंह थे। भगत सिंह जेल में था और इसके वालिद ने भगत सिंह की रिहाई के लिए अपील की तो भगत सिंह बड़ा नाराज हुआ। हिंदुस्तान की आजादी में चंद्र बोस का कितना बड़ा हाथ है। जब मैं छोटा था तो मेरी तारीख अशोक से शुरू होती थी, ठीक है ना। तो जब आप लोग बड़े हुए तो आपको मोहम्मद बिन कासिम से शुरू करवाया गया, तो इसी को तारीख छुपाना कहते हैं। उसे कोई खौफ नहीं था। जेलर ने कहा कि मैंने ऐसे फांसी लगते हुए किसी को देखा ही नहीं आज तक। जब आपके अपने हीरो जी नहीं है, क्या मोहम्मद बिन कासिम आपका हीरो है? कहां में तो ये नहीं, 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 आप बताएं ना। नहीं, मैं क्या पाकिस्तानी है वो, या हिंदुस्तानी है? नहीं। क्या महमूद गजनवी पाकिस्तानी था? करेक्ट। क्या शाहबुद्दीन गौरी पाकिस्तानी था? खिलजी, तुगलक, लोधी, बाबर नहीं था ना? वही बाबर। मैं बाकी वो बात समझाऊं। ठीक, सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं पढ़ा आपने? भगत सिंह का नाम नहीं सुना? नहीं। भगत सिंह का नाम भी नहीं सुना? नहीं, हमने नहीं सुना। सरदार पटेल का नाम भी नहीं सुना? सरदार पटेल सरदार नहीं, कभी भी नहीं पढ़ा। आज के पाकिस्तान में शायद ही किसी बच्चे को भगत सिंह का नाम मालूम हो। जो दुनिया का हाईएस्ट स्टैचू है, जिसकी हाइट है 182 मीटर, इससे पहले ये रिकॉर्ड था चाइना के पास। चंद्र बोस जो था वो जंग करके जीतना चाहता था, वो कहता था हम इन्हें मारेंगे, हम इन्हें भगाएंगे यहाँ से। भी चंद्र बोस की एक तारीखी कोटेशन है कि यू गिव मी द ब्लड आई गिव यू द फ्रीडम। उद्धम सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं? मुझे नहीं पता। उद्धम सिंह वो बंदा है जिसने जनरल डायर को कत्ल किया, वो जनरल डायर जिसने जलियांवाला बाग में गोली चलाई। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में भाग लिया। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक डिजिटल प्रदर्शनी देखी। उन्होंने युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच की शुरुआत की और अमृत महोत्सव स्मारक एवं अमृत वाटिका का वर्चुअली शिलान्यास किया। उन्होंने अमृत महोत्सव के दौरान हासिल की गई सफलताओं, चंद्र मिशन, वंदे भारत ट्रेन, देश को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बारे में बात की। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, आज लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कर्तव्य पथ एक ऐतिहासिक महायज्ञ साक्षी बन रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि बड़ी बड़ी महान सभ्यताएं समाप्त हो गई, लेकिन भारत की मिट्टी में वो चेतना है जिसने इस राष्ट्र को अनाथ काल से आज तक बचा रखा है। ये वो माटी है जो देश के कोने कोने से आत्मीयता और अध्यात्म हर प्रकार से हमारी आत्मा से जुड़ी है। किसान हो, वीर जवान हो, किसका खून पसीना इसमें नहीं मिला। इस मिट्टी की सौगंध खाकर हमारे वीरों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। कितने ही किस्से इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। इसी माटी में 100 साल पहले एक छोटा सा बच्चा लकड़ियां बो रहा था और जब उसके पिता ने पूछा कि क्या बो रहे हो तो वो बोला कि बंदूकें बो रहा हूं। बंदूकें? पिता ने पूछा, नहीं बच्चा था ना, कि बंदूकों का क्या करोगे? तो उस बालक ने कहा अपने देश को आजाद करा। ये देखो, छोटा बच्चा था ना, स्टिक से खेल रहा था। उसी बालक ने बड़े होकर बलिदान की वो ऊंचाई हासिल की, ओ यस, जिसे आज भी छूना मुश्किल है। बिल्कुल। वो बालक कोई और नहीं, वीर शहीद भगत सिंह थे। अमेजिंग।
चंद्र बोस इज नॉट द ओनली एंड लॉनली पर्सन, वो अकेला या तनहा आदमी नहीं है इस पूरी तहरीक में ना। ये और दूसरा भी बंदा है, इसके जाने पड़े अच्छे पैदा हो रहे हैं 1897 में, अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो, ठीक है। वो 1897 में पैदा हुए हैं और 1885 में कांग्रेस बन गई हुई थी, ठीक है, ठीक है। जब वो 8 साल के हुए तो बंगाल के थे, पढ़ के हैं जो भी है, उड़ीसा के में पैदाइश थी उनकी। तो जब वो 8 साल के तो बंगाल तकसीम हुआ, यानी कि तकसीम बंगाल उन्होंने होते देखी। फिर उन्होंने जब 14 साल के थे तो उस वक्त तंसीख बंगाल हुई। तो ये सारा कुछ उन्होंने मनाजर, ये पॉलिटिक्स अपनी आंखों से देखे। उसके बाद उन्हें स्कूल से कॉलेज से निकाला गया किस बुनियाद पे, कि एक अंग्रेज उस्ताद हिंदुस्तानियों के बारे में, नॉट अगेंस्ट द मुस्लिम, हिंदुस्तानियों के बारे में बैड वर्डिंग करता था, उन्होंने थप्पड़ मार दिया उन्हें, और 2 साल के लिए उन्हें निकाल दिया गया। और उसके बाद वो वहाँ से चले गए और दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए, वहाँ उन्होंने ICS वगैरह की तैयारी की, ICS किया, यहाँ आए। मगर यहाँ आके उन्होंने बजाय इसके कि वो करते अफसरी करते या अंग्रेज की वो गुलामी करते या कई मुलाजम होते और अपनी ऐसे जिंदगी गुजारते, उन्होंने जिंदगी का कठिन रास्ता आजाद अख्तियार किया और वो आज़ादी का रास्ता था। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज जो थी वो उन्होंने नेशनल आर्मी उन्होंने बनाई। और फिर उससे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ वो ये है कि आप ये देखें कि वो हिंदुस्तान के रहने वाले थे, मगर उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब पूरे अरूज पर थी तो साहब चंद्र बोस जो थे वो हिटलर से भी मिल रहे हैं और जापान भी जा रहे हैं। यानी कि उस टाइम पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, जियोपॉलिटिक्स को उन्होंने पूरी दुनिया को ये बताया कि हिंदुस्तान एक कौम है जो आज़ादी चाहती है और ये हमारी फौज है। और जो जापान में ये हिंदुस्तान से जो फौजी गए हुए थे फौजी बन के लड़ने के लिए वहाँ कैद थे, उनको आज़ाद करवा के तो वो आर्मी बनाई, लॉन्च की आर्मी, उसकी सेरेमनी करवाई और एक बड़ा काम उन्होंने। अच्छा, उस एक चीज में ये जानना चाहता हूँ, क्या उस आर्मी में सिर्फ हिंदू थे? नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्या कर दी यहाँ उस वक्त जो लोग लड़ने गए थे वो सिर्फ हिंदू के थे? नहीं, उसमें तो मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, बड़ी तादाद क्रिश्चियन भी थे, सारे थे, मजहब नहीं था। नेताजी बोस ने जो आर्मी बनाई, हाँ वो मिक्स थी, वो उसमें मुसलमान भी थे, इंडियन से। अच्छा, इंडियन से, जब उस वक्त तो पाकिस्तान था नहीं, तो वो इंडियन आर्मी थी ना। जिस तरह जब 1857 में इन फौजियों ने बगावत की, उनमें सिर्फ मंगल पांडे तो नहीं था, उसमें तो और भी बहुत से, उसमें मुसलमान भी थे, उसमें सिख भी थे, उसमें क्रिश्चियन भी थे, कुछ। तो इसी तरह जब कोई भी चीज बनती थी तो उसमें सारे हिंदुस्तानी होते थे। जो चंद्र बोस साहब थे ना, सुभाष चंद्र बोस, ये तकसीम के खिलाफ थे। इंडिया पाकिस्तान की तकसीम हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी मेरे माइंड में ये सवाल था जब मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया, तो ये सवाल था जो मैंने थोड़ा सा स्टडी किया कि शायद गांधी जी के वो फॉलोअर थे, ठीक है, लेकिन उनका नजरिया थोड़ा चेंज था गांधी जी से। चेंज नहीं था, मुतसादम था। अच्छा, वो दो अलग इंसान थे। देखे ना, एक शख्स अदम तशद्दुद पे यकीन रखता, गांधी का नजरिया क्या था? अदम तशद्दुद का था, पीस का, डोंट वायलेंस। तो बोस, चंद्र बोस जो था वो जंग करके जीतना चाहता था, वो कहता था हम इन्हें मारेंगे, हम इन्हें भगाएंगे यहाँ से। भी चंद्र बोस की एक तारीखी कोटेशन है कि यू गिव मी द ब्लड आई गिव यू द फ्रीडम, मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँ। पहली बारी कोई पाकिस्तानी का देख के अच्छा लगा मुझे, जिसने फैक्ट्स बताए। उनने स्टार्टिंग में एक डायलॉग बोला था जो मैंने देखा नहीं, वो कह रहे थे कि तुम्हें जो है पता पढ़ाया गलत है, यहाँ से शुरू किया, हमें अशोक से किया था। देखा, ये मेरे को वो कह रहे हैं हमें जो है स्टार्टिंग से किया था, जब आप कह सकते हैं अशोका था, गुप्ता एम्पायर थी, उस जमाने से शुरू किया था जब सब के सब लोग हिंदूज थे, हिंदुस्तानी थे, हिंदू थे। अच्छा, हिंदू, देयर वाज नो मुस्लिम। अच्छा अच्छा, ओके। तो वो उस समय जब अशोक थे, गुप्ता एम्पायर, एवरीबडी ओनली हैड वन रिलीजन, हिंदुइज्म, एवरीबडी वाज हिंदू। उसके बाद बाहर से
रेडर्स आए जिनको जो इनको पढ़ाए गए, जो अफगानिस्तान से आए, गौरी आया, गजनी आया, दिल्ली सल्तनत, तो वहां से रेडर्स उज़्बेकिस्तान से आए, तो रेडर्स आए जो अपना रिलीजन लेके आए और तुमको कन्वर्ट किया, हमने इनको कन्वर्ट किया, ये कन्वर्ट हो गए और जनता कन्वर्ट नहीं हुई, जो नहीं कन्वर्ट हुई वो इधर आ गई, जो कन्वर्ट हो गए वो हो गए. एग्जैक्टली. और वहां से तुम्हें पढ़ाया जा रहा है और उसके बाद बनाए जा रहे हैं. उसके बाद अंग्रेज आए, वो क्रिश्चियनिटी ले आए. तो सारी चीजें बाहर से आई हैं, बट अशोक के जमाने में एवरीबॉडी वॉज हिंदू, देयर वाज नो डिफरेंस. उसके बाद इनको ये रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि ये कन्वर्ट क्यों हुए और लोग कन्वर्ट क्यों नहीं हुए, क्योंकि वो स्ट्रांग थे. दैट इज अ पॉइंट दे नीड टू कंसिडर देमसेल्फ कि तुम कन्वर्ट क्यों हुए. और ये भी बताया कि तुमको जहां से पढ़ाया जा रहा है गजनी गौरियों को, वो तुमको दिखा के ऐसे पढ़ाया जा रहा है वो तुम्हारे हीरो हैं. और जब उससे पूछा के, वो बोले कि क्या तुम उनको हीरो मानते हो कि नहीं मानते हो, तो उस टाइप से जब पूछा तो वो कुछ बोले नहीं. वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा उसने बताया, हिचकिचा रहा था बंदा, ये चौधरी जो था, कि बाबर कौन था. आई लाइक दैट मैन, आई होप सच्ची दिल से बोला बाबर था कि उज़्बेकिस्तान का था. एग्जैक्टली, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, पहली बार ये कुछ अच्छा फील हुआ. बाबर केम फ्रॉम उज़्बेकिस्तान. एग्जैक्टली, वो बात सच है, बिल्कुल सच है. तो ये उसने क्लियर किया कि जिसको तुम बोलते हो अपने, वो तुम्हारे अपने तुम्हारे नहीं है, वो तो रूल उन्होंने रूल किया तुम्हारे ऊपर, उनको तुमको तुम उनको हीरो बना के बैठे हुए हो. अगर तुम किसी बच्चे का नाम बाबर लिखते हो तो ये बोलो कि हम बैठे थे, एक अग्रेसर आया, उसने हमें अब्यूज किया, हमें मारा पीटा और हमने अपने बच्चे का नाम उसी में रख दिया, जिसने हमें मारा काटा, हमारे हमारे अपनों को मारा, हमने उसको बना, उसका नाम रख रहे हैं. की विमेन से इतने मारा काटा, इतना कुछ किया उसके नाम पे, तुमने अपने बच्चे का नाम तैमूर और पता नहीं क्या क्या रखते हैं, उसी टाइप से बहुत अच्छा बोला था. और इनको, ये पाकिस्तानियों को रिलाइज होना चाहिए, पहले ये जब पूरा एक ही इंडिया होता था, सब ने फ्रीडम फाइट के लिए स्ट्रगल की थी, तो जो हीरोज हमारे हैं जैसे भगत सिंह हो गए, सब हो गए, वो तुम्हारे भी हीरो हैं, उन्होंने तुमको भी आजादी दिलवाई थी, वो नहीं हुआ होता तो तुम अभी तक स्लेव बैठे होते. मजे की बात यह है, जब वो बंदा बोल रहा था कि मेरे को अशोका के समय से पढ़ाई है, उसको समझ ही नहीं आया उसका मतलब क्या. ही कैनॉट इमेजिन अ टाइम जहाँ पे एवरीबॉडी वॉज हिंदू, और उसको वो उसको पता ही नहीं था वो सब के बारे में, वो पूरा इग्नोरेंट था, उसे कोई आइडिया नहीं था. शॉक लगता होगा रियली, कमाल था. पहली बारी को एक ऐसा देखा जो अच्छा है, बस आई होप वो तो छोड़ो, उसे पहले वैदिक पीरियड में चले जाओ, फिर क्या बोलोगे. वही तो, ये इनके दिमाग हड़प्पा बोलोगे फिर क्या बोलोगे, ऐसा गंद भर दिया इनके दिमागों में कि इनको समझ ही नहीं आती है. वेरी नाइस. तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए.